आपके सामने पेश है पहली प्रतियोगिता। मेडल्स और ये हमारी रनिंग ट्रॉफी। शाबाश बेटी, शाबाश। तुम भी चलती तो बड़ा मजा आता। बेटी मैं भी चलती तो ये सारे कपड़े बिना सिले रह जाते, है ना? अरे वाह माँ, तुमने तो सारे कपड़े सी दिए। अच्छा अच्छा, अब तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा माँ।
अभी लाई बेटे, ये लो। माँ, एक बार तो ऐसा लगा कि हमारी टीम हारी जाएगी। अच्छा, पर अचानक दीदी को जवाब सूझ गया और हम जीत गए। पता है कैसे सूझा? कैसे? राजू को जब पहले का जवाब नहीं सूझ रहा था तो ये पसीना पसीना हो गया। मैंने इसकी तरफ देखा और मुझे मिल गया जवाब, पसीना, और हम जीत गए। अच्छा, डॉली बॉबी ने क्या किया? उनकी टीम तो दूसरे राउंड में हार गई, फाइनल राउंड में हमारी टीम पहुंची थी। अच्छा, इसीलिए कल मैं तुम लोगों के लिए स्पेशल हलवा बनाऊंगी। हाँ माँ, मजा आ जाएगा। डॉली बॉबी को भी साथ लेकर आना। अच्छा माँ, उन्हें भी तो बहुत पसंद है मेरे हाथ का बना हुआ हलवा। अच्छा, और कुछ चाहिए? बस माँ। तो चलो, हाथ मुंह धोकर सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। डॉली बॉबी, क्या हो रहा है ये? जब देखो तब उधम मचाते रहते हैं, घर को मैदान बना रखा है। अब तक तैयार नहीं हुए? स्कूल नहीं जाना? चलो अंदर। अरे मेम साहब, सुबह सुबह किसकी शामत आ गई भाई? देखो, क्रिकेट खेल रहे हैं सुबह सुबह, बॉल मेरे मुंह पर लगी है। तुम्हारी वजह से बिगड़ रहे हैं, जरा सा डांटते डपटते नहीं, थोड़ा तो रोब रखा करो बच्चों पर। रोब? आपके होते हुए हमारा क्या रोब साहब? भरोसे? जी साहब चाहे। इसकी जरूरत तुम्हारी मेम साहब को ज्यादा है। मेम साहब चाहे। क्या कर रहे थे तुम सब? जी, बच्चों को स्कूल जाना है, नहीं मालूम क्या? जी, उनको तैयार नहीं करवा सकते थे? जी, एकदम लापरवाह हो गए हो, काम में मन तो लगता नहीं। जी, क्या जी जी लगा रखी है, जाओ बच्चों को तैयार करो। जी, चाय कहाँ ले जा रहा है? दे इधर। जी, जाओ और नाश्ता लगाओ फुर्ती से। फुर्सत से? जी फुर्ती से। जल्दी करो माँ, देर हो जाएगी। हेलो बेटे, टिफिन। अच्छा माँ, अच्छा, चलते हैं। अच्छा बेटे। अरे सुन तो राधा। क्या माँ? आज तो एनुअल एग्जाम का टाइम टेबल मिलेगा ना? हाँ माँ। देखो संभल कर, ट्रैफिक देख कर सड़क पार करना, और हाँ, बस में लटकते हुए मत जाना। माँ, अब हम बड़े हो गए हैं, आप हमारी चिंता मत क्या करो। बेटे, तू कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए तो राजू ही रहेगा। और हाँ, डॉली बॉबी को साथ लेकर आना। अच्छा माँ, चलो राजू। भरोसे? भरोसे? जी मैम साहब। क्या किया तुमने अब तक? जी। बॉबी के जूते कहाँ हैं? ये। दिखा क्या रहे हैं, पहनाओ से। जी। तुम दोनों ने अपने स्कूल के बैग तैयार कर लिए हैं ना? नहीं। दिन भर कॉमिक्स, तुम लोग जरा सा भी अपने स्कूल का काम तक नहीं देख सकते। अबे धीरे बोलो से। भरोसे? जी। आज लंच में मेरे लिए चिकन लाना। जी। और मेरे लिए कबाब, समझे? जी। ओफो, अब चल भी चुको तुम लोगों, ना मुझे भी ऑफिस की देर हो जाएगी। चलो बॉबी, लगता है फिर पनिशमेंट मिलेगा। तुम लोग हो ही इसी लायक, बैक में भी कॉमिक्स। चलो भाई, जल्दी करो, हरे आप। सुधीर, लंच पर मैं नहीं आऊंगी। विमेंस क्लब? बाल सुधार केंद्र। मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। Really? How sweet. Battle of Plassey, 1857, the Sepoys Mutiny, 1942, Quit India Movement. And now tell me, what happened in 1947? In 1947, India
became... Shut up! क्या हुआ? देखो ना टीचर, ये मुझे धक्का मार के नीचे गिराता है, मेरी सीट पे बैठता है। तुम अब आए हो? टीचर, ये मेरी जगह है। मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? What happened in 1947? Shut up! चलो भाभी बाहर जाओ, परमिशन लेकर आओ। टीचर, ये अपना बैग छोड़े जा रहा है। भाभी, टेक योर बैग। May I come in, madam? Silence! चलो भाभी पीछे खड़े हो जाओ। Hands like aeroplane. और डॉली तुम भी लेट? होमवर्क किया है? टीचर हमारे कोई गेस्ट इस साल भी फेल होना है क्या? चलो तुम भी पीछे। Hands like aeroplane. हाँ तो, in 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लिख लिया? जी हाँ। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार पटेल को इंडिया का फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। रामकली, हो गई तेरी, मर गए राम भरोसे। क्या होगा? पालक पनीर, पनीर कोफ्ता, पराठे और आपके लिए बादाम की खीर लाया हूँ। नहीं खाना है मुझे, ले जाइए इसे। अरे डॉली बॉबी, आज हमारे साथ थोड़ा खा लो ना। अरे डॉली, आज मम्मी ने तुम्हें स्पेशल हलवा खाने बुलाया है। सच? तब तो बड़ा मजा आएगा। हम आएंगे। छुट्टी होने के बाद तुम हमारे साथ कार में आना। आंटी आंटी, आपने मेरा फ्रॉक सी दिया? अरे वाह, ये तो हमारी गुड़िया रानी पे बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी, मम्मी ने बोला है पैसे बाद में देंगे। अच्छा बेटे, कोई बात नहीं, ले जाओ। अच्छा बच्चों, अब छुट्टी। अच्छा टीचर। हाय रमोसी, हाउ डू यू डू? फाइन। वेयर इज माय स्पेशल हलवा? बेटे, तुम्हारा हलवा तैयार है। कैसे हो बॉबी? आई एम फाइन। चलो तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए हलवा लेकर आती हूँ। रमा मौसी, जरा जल्दी लाना, बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा अच्छा, अभी ले आती हूँ। तुम लोग स्क्रैबल खेलो, हम अभी ड्रेस चेंज करके आते हैं। चलो राजू। एल ओ वी ई लो बी ओ आर ई फोर। क्यों? बड़ी भूख लगी है। अरे भूख तो मुझे भी लगी है। रमा मौसी, जरा जल्दी करो ना, बड़ी भूख लगी है। भूख तो लगी होगी, लंच जो नहीं लिया था, सिर्फ कैडबरीज खाई थी। अच्छा, ये लो तुम लोगों का स्पेशल हलवा। हुर्रे! उई, बड़ा गरम है। ये लो। अच्छा बच्चों, तुम लोग हलवा खाओ, मैं अभी आती हूँ। हाँ
राजू, कल हमने कुंग फू कराटे की एक नई कैसेट देखी। या हू ही हा हू ही हा, फैंटास्टिक। तुम भी चलो ना हमारे साथ, सब मिलकर देखेंगे। कहाँ लगा दी इतनी देर? हम तो मौसी का स्पेशल हलवा खाने गए थे। राधा राजू भी साथ आए हैं। नमस्ते मौसी। प्रेम सिंह, जब तुम्हें मालूम था कि मुझे क्लब जाना है, फिर जानबूझकर इतनी देर क्यों की? अब जाओ, जाकर जल्दी गाड़ी साफ करो। जी। मम्मी, आज क्लब इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? रीटा की पार्टी है। और सुनो, कहीं जाना हो तो स्कूल से पहले सीधा घर आया करो। मम्मी, कितने दिनों के बाद मौसी के हाथ का हलवा खाने को मिला है। मेरे पीछे से शैतानी बिल्कुल मत करना। मम्मी, कार जल्दी भेज दोगी ना? राधा राजू को जल्दी वापस जाना है। तुम लोग मुझसे पूछे बिना पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम्स बना लेते हो। अभी तुम्हारे पापा को लेते हुए जाना है। मम्मी, आप ही तो हमसे पूछ के प्रोग्राम नहीं बनाती, हमेशा बिजी रहती है। शट अप बॉबी, अभी मेरा मूड मत खराब करो। आई एम गेटिंग लेट। अरे दांत टूट जाएगा तो हमारा ब्याह कैसे होगा? अबे शक्ल देखी आईने में तूने कभी? जा पानी पिला। जी। अबे सुन। जी। राजू और राधा के लिए 2 फ्री से आइसक्रीम लिया। अबे सुन। जी। हमारे लिए क्या लाएगा? क्या लाएगा? 2 आइसक्रीम। थोड़ा भाग। अरे वाह वाह मेरी रामकली, तू तो 2 दिन में होशियार हो गई। देख भरोसे, हमारा नाम पारो है, पारो, रामकली नहीं। हमसे ऐसे मत उलझा कर। अरे तू तो हमारे लिए रामकली ही रहेगी। पारो ना चढ़ा अपना पारा। ले आइसक्रीम खा, दिमाग ठंडा हो जाएगा। भरोसे, ये बच्चे कौन है? कौन? राधा राजू। रमा दीदी के बच्चे हैं, अपनी मेम साहब की बहन है ना। लेकिन मेम साहब ने तो इनसे बात तक नहीं की। क्या बताऊं पारो, जमाना ही बदल गया है। मेम साहब की सौतेली बहन है ना, बस आओ जी। रीटा जी, कांग्रेचुलेशन जी। थैंक यू। हाउ डू यू मिसेस अरोरा? अजी से भी सिखाओ कुछ डाइवोर्स के कपड़े, ओ ताड़ी भी लाइफ कुछ रंगीन निकले। चलिए आओ जी। हाय कांग्रेट्स। थैंक्स सीथाट। हेलो। हाय हाउ योर पार्टी इज गोइंग? मुखर्जी, हेलो, हाउ आर यू? फाइन। हाय मिस्टर जैन। जवाब नहीं रीटा का भी, डाइवर्स लेके भी पार्टी दे डाली। अरे डियर, आम खाओ आम, पेट मत गिनो। डियर, पार्टियों की भी कोई वजह होती है। हो गया शुरू राम मूर्ति, अरोरा की बीवी के साथ। उई। क्या हुआ? दर्द होता है जी। बड़ा नाजुक है। क्या नाजुक है राम मूर्ति? इनका हाथ। और सुना सुधा, कैसा चल रहा है तेरा सोशल वर्क? यानी बाल सुधार केंद्र? अरे गोली मार सोशल वर्क को। अपनी सुना। अपनी तो ऐश है, अचानक डाइवोर्स ले लिया। चक्कर क्या है? चक्कर क्या है, नई पटी राकेश से छोड़ दिया। कमाल है। बड़ा ऑर्थोडॉक्स था, पार्टीज उसे पसंद नहीं, ड्रिंक्स उसे पसंद नहीं,
और ऊपर से बच्चे चाहता था। अरे नहीं, बच्चों की तो बड़ी प्रॉब्लम है, सारा फिगर खराब हो जाता है। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है इन झोपड़पट्टियों को देखकर। क्यों जैन साहब? भाई बड़ी गंदगी रहती है, मेरी तो समझ में नहीं आता कोई रह कैसे सकता है ऐसी जगहों पर। लेकिन लोग रहते हैं झोपड़पट्टियों में, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सारा सिस्टम ही सड़ गया है। नहीं मुखर्जी, पार्टियों में बैठकर सिस्टम सड़ गया है, सिस्टम सड़ गया है कहने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल आओ जी, इस सिस्टम की गंदगी के सहारे उसकी जड़ को पकड़ो, उतर जाओ उनके दिलों में। आओ जी, वही तो मैं कह रही ऐसी, दिल में उतर जाओ और फटे जग दो। में भी रोज लेट आते हो और एग्जाम में भी लेट, अब खड़े क्या हो? गो टू योर सीट। बॉबी क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं सर, कैडबरीज है कैडबरीज, आप भी खा लीजिए। ठीक है ठीक है, रख लो इसे, बाद में खा लेंगे। राजू राजू, नकल मारने की ट्राई कर रहे हो, शर्म नहीं आती? साल भर खाक छाड़ी थी क्या? रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सब नकल करना भूल जाओगे। I'm sorry sir, अब ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। बॉबिक तुमसे कहा ना कैडबरी बाद में खाना, प्रिंसिपल साहब राउंड पर है। राजेश
राजू। माँ लास्ट पेपर भी अच्छा हो गया। अरे वाह, माँ कुछ खाने को दो ना, बड़ी भूख लगी है। अच्छा मैं अभी तुम लोगों के लिए एक चीज लेकर आती हूँ। हाँ अभी आई। दीदी क्या चीज होगी? हलवा होगा। हाँ राधा राजू क्या सोचने लगे? मिठाई? और तुम तो कह रही थी हलवा। हलवा भी बना दूंगी। आओ पहले मिठाई तो खा लो। आओ। अरे हाँ राधा, गांव से पवन मामा की चिट्ठी आई है, हम सबको बुलाया है। माँ गांव चलेंगे तब तो बड़ा मजा आएगा। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? वहाँ नानी बात बात पर नाक काटती रहती है। नहीं बेटे, बड़ों के लिए ऐसे नहीं कहते। तो माँ हम कल ही चल रहे हैं ना गाँव। हाँ पवन मामा जिंदाबाद। अरे अरे छोड़ छोड़। अरे क्यों बे कालू, चोट कैसे लगी? मैं गिर गया। गिर गया था? हाँ। तब तो तू रोया होगा। हाँ। कैसे रोया था? अबे चल गया पता, साला बकरी है। नहीं शेर। शेर? हाँ। किसका शेर है? कम्मो का शेर। आप बोला बे? मैं कम्मो का शेर। कम्मो का सुनाई नहीं देता? कम्मो का शेर है कम्मो का। अच्छा बच्चों इधर आओ। ये लो, ये तुम लो, तुम ही लो। बंदरिया बंदरिया बोलना है। बंदरिया 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 बंदरिया। अरे बंदरिया होगी मेरी जूती, तू होगा बंदर। न जाने पिल्लों को क्या सिखाता रहता है दिन भर। अरे तो तू लड़ती क्यों है? ये ले, तू भी ले ले, मीठी है। मीठी है नहीं खानी मुझे। ओ तो खट्टी खाएगी, ये ले। कहा ना नहीं खानी। अरे तो नहीं खानी तो मत खा, मैं तो चला बस अड्डे। रमा दीदी और राधा राजू आने वाले है। रमा दीदी आ रही है? हाँ। और राधा राजू भी? हाँ। तब तो बहुत मजा आएगा। बंदरिया लग रही है बंदरिया है। अरे तू होगा बंदर। पैसे दो, जाओ जाओ। चाची शहर वाली बस आई कि नहीं? नहीं रे, कहाँ आई। चलो टाइम पर आ गया। अब ये बता तेरे घुटने कैसे हैं? फर्क तो है पर बूढ़ी हड्डियां हैं। किसकी? मुई मेरी और किसकी। क्या बात करती है चाची, ये ले दवाई, दो टाइम गुनगुने पानी के साथ ले लेना। अरे दस दिन में दौड़ने लगेगी ओलंपिक वालों की तरह। मर मुए। गेटपट बोलता चाची को, मैं कोई घोड़ी हूँ जो दौड़ूंगी। अरे चाची क्या बात करती है, देख तेरे शहर वाली बस आ गई। अरे चाची मैं तो भागा। जीते रहो। अरे चल ले पजंगा, घुमा ले गाड़ी। आओ आवा हो पवन भैया। आवा, आवा चलो चलो। पाव लागू दीदी, चलो चलो बच्चों, चलो आ, चलो ऊपर चलो संभल के। हाँ बजरंगा। हाँ भैया चला ले गाड़ी, चलो संभल के बैठना साहब। चलो चलो भैया चलो। हाँ चलो दवा के, चलो संभल के बैठे बच्चों। हाँ ये सामान इधर रखो। बाबूजी। अरे माँ
काहे को तूफान मचा रखा है? दीदी ही तो आई है, क्या नाम से देवी तो नहीं आई? पर बरस बाद आई है। तो क्या हुआ? पाए लगे। बस बस। आ गई बिटिया। सुखी रहो बेटे, सुखी रहो, सुखी। क्यों जी, बेटी आई है तो क्या भागी जा रही है? ढंग से नहा तो लेते। अरे नहा कर ही तो आया हूँ भगवान। लाइए बाबूजी, मैं सुखा दूँ। अरे नहीं बेटी, तू थकी मंदी आई है, तू आराम कर। ऐसी कौन सी विलायत से चलकर आ रही है? विलायत से नहीं माँ, पर शहर से तो आई रही है। हजार दफे कही तुझे, मुई नाक काट ले मेरी, पर बात मत काटा कर। जा पीछे वाले कमरे में जाकर सामान रख दे। पर उस कमरे में तो अनाज भरा है माँ। अरे तो क्या नाम से कौन सा ये खा जाएगी? वो आगे वाले कमरे में रख दूँ माँ। फिर काट दी ना बात। ओ, चलो दीदी चलो कमरे में। अरे तू कहाँ चला पवन? कल सवेरे सुधा आने वाली है, उसे लेने बस अड्डे जरूर चले जाइयो टाइम पर। हाँ हाँ चला जाऊंगा। और गाड़ी भी लेते जाइयो। हाँ हाँ गाड़ी नहीं बैलगाड़ी। काट दी ना बात। अरे बापू, इतनी रात तक काय को काम करता है? रहने दे अब। बेटी कल सवेरे सारा काम देना सेठ, नहीं तो शंकर का बच्चा सुबह ही अटपकेगा। एक तो बिना पैसे दिए काम करवाता है। बापू तू मत किया कर बेगार, अब कल देख लेना। बेगार तो करनी ही पड़ेगी बेटी, दो साल से सेठ का कर्जा नहीं चुकाया, ले दे के ये बैलों की जोड़ी ही बची है, फिर इस साल फसल भी तो अच्छी नहीं हुई। ठीक है बापू, चल उठ अब सो जा। बस तेरे हाथ पीले हो जाए बेटी। ओ बापू सब कुछ ठीक हो जाएगा, चल। अरे ओ पवन उठ जा बेटा उठ जा, देख तो दिन कितना निकल आया है। उठ जा बेटे उठ जा, सुधा को लेने नहीं जाना है। उठ जा उठ जा उठो। क्या माँ सुबह सुबह जगा दिया, बस तो 10 बजे आने वाली है। ये ले तौलिया और जाकर नहा ले। हाँ मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा बेटे, मेरे बैलों को मत ले जा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा बेटे। शुक्र मना कि तेरे बैल ही ले जा रहा हूँ, मेरी जगह कोई और होता तो तेरे घर की इज्जत ले जाता, समझा? अरे गरीब की हाय से डर, गरीब की हाय से डर शंकर। क्या बात है काका? कुछ नहीं बेटे कुछ नहीं। कुछ नहीं? कोई आपके घर से आपके बैल खोल कर ले जा रहा है और आप कहते हैं कुछ नहीं? सरे आम आपकी इज्जत पे कोई टाका डाले और आप कहते हैं कुछ नहीं? देख पवन तू बीच में मत पड़, ये हमारे आपस का मामला है। अरे आजकल सालों ने इन दो कड़ी के लोगों के दिमाग घुमा दिए हैं, कर्जा ले लेते और चुकाने का नाम नहीं, पूरे 2 साल से साला सूखे का बहाना बना रहा है। बहाना? और नहीं तो क्या। सूखा बहाना नहीं है रे शंकर, ये तो तकदीर के फफोले हैं जो कुदरत देती है और जिन्हें झेलते हैं कृष्णा और ये सब जो तुझसे डर कर चुपचाप दूर खड़े हैं और तू इसे बहाना कहता है। छोड़ दे बैल। नहीं छोड़ूंगा, सेठ का हुक्म है। सेठ का हुक्म है? अबे कानून क्या सेठ का चलता है? छोड़ दे बैल। देख लूंगा पवन तुझे भी। आओ लो काका इन्हें बांध लो। बेटा सोचा था इस साल बारिश अच्छी हो गई तो सेठ का कर्जा भी चुकता कर दूंगा और साथ ही कमों के हाथ भी पीले कर दूंगा, पर पता नहीं भगवान क्या चाहता है।
घबराओ मत काका, इस साल बारिश भी खूब होगी और कम मुंह के हाथ भी पीले हो जाएंगे। अच्छा काका, मैं चलता हूं। माँ, माँ, शुक्र है घर तो आया। माँ, मम्मा। पवन बेटा, आप कहाँ सोओगे रात को? अरे सुधा दीदी, कब आई तू? शट अप पवन। अरे लगी तो नहीं बेटी, इस वही खाट को भी अभी टूटना था। ओ, एक तो पवन का बच्चा बस स्टैंड लेने नहीं पहुंचा। क्या ऊपर से मजाक उड़ाता है? क्यों रे पवन, तू इसे लेने नहीं पहुंचा क्या? इसे तो अपनी सगी बहन की भी परवाह नहीं, सारे गांव के दुख दर्द की परवाह रहती है इसे। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा जाकर दूसरी खाट लेकर आ। अरे माँ, उसको तो रहने दे। हजार मरतबा कही इसे, ना काट ले मेरी पर बात मत काटा कर। हेलो ग्रैंडमा। अल्ले अल्ले राजा बेटे। ग्रैंडमा, लगता है मम्मी का वेट बढ़ गया है। ओ। बैठ बैठ दीदी, ये मजबूत है, नहीं टूटेगी। कैसी हो सुधा? हेलो रमा मौसी, हाउ डू यू डू? फर्स्ट क्लास। ये लो दूध पी लो। दूध? बट मौसी, यहाँ कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलता, गला बड़ा सूख रहा है। ओ यस, यू टेक दिस कोल्ड ड्रिंक। छी, कैसी कोल्ड ड्रिंक है ये? नमस्ते सुधा मौसी। अरे डाली बाबी, देखो हम तुम्हारे लिए कम्मो दीदी के खेत से ही गन्ने लाए हैं। अरे मरो, उस नीच के खेत से ले आए, फेंको फेंको इसे जल्दी। माँ, तू भी बुढ़ापे में सठिया गई। अरे जब सब्जी बाजार से आती है तो उस पर थोड़ी लिखा होता है कि ऊंच के खेत की है कि नीच के खेत की है। रोज रामायण पढ़ती है ना तू, कभी रामायण का मतलब भी समझा है? अरे लगता है तेरी रामायण से शबरी के बेर वाली कहानी का पन्ना ही फट गया है। लो, ये मरा इस बुढ़ापे में मुझे रामायण का मतलब समझाएगा। अरे वाह, आज रामायण पे बड़ी चर्चा हो रही है। अरे बिटिया, तू आ गई? हाय ग्रैंडपा। अरे डोली भाभी। रमा जी, सुधा और बच्चों के लिए नहाने का पानी निकाल दे, और सुन फिर गरम गरम खाना भी बना दे। अच्छा माँ। आओ सुधा बेटी, चल कर आराम करें। चलो डॉली बॉबी, तुम भी आराम करो। चलो बच्चों, हम सब गन्ने खाएंगे। जाओ बेटे, जाओ जाओ। सुधा, सुधा बेटी। क्या माँ? देख बेटी, ये तीन तो हैं बनारसी, और ये क्या नाम से बिलायती हैं, छे छे गज की हैं री, बिलाउज भी निकल आवेगा। ये सब मेरी है माँ। और नहीं तो किसके लिए? अपने बक्से में रख ले, विधवा की नजर अच्छी ना होवे, समझ गई ना? नानी, मेरे लिए कुछ नहीं, सब मम्मी को दे देती हो। अरे तो साड़ी पहनने के लायक तो हो जा, ला दूंगी साड़ियों से। तू कितनी अच्छी है माँ। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम लोग दूध पीकर सो जाओ। पता नहीं रमा की बच्ची अभी तक दूध क्यों नहीं लाई, मैं देखती हूँ। रमा, बच्चों का दूध गर्म हो गया क्या? रात हो गई, अभी तक तेरे से रसोई का काम तक नहीं निपटा, जरा सा दूध मांगा था बच्चों के लिए। अरे तो पहले खाया क्यों था इतना जो उगल रही है? इसमें कौन सी मुसीबत आ गई है, जब देखो तब टेढ़ा बोलती है। बच्चों का यहाँ चार दिन भी रहना तुझे अच्छा नहीं लगता। आय हाय, मैंने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया, थोड़ा सा दूध ही तो मांगा था बच्चों के लिए। अरे मैं तो इसकी सौतेली माँ हूँ ना, इसीलिए तुम्हें मेरी हर बात टेढ़ी ही लगती है। लो, मेरा दूध ही खिंड गया, अब बच्चे क्या पिएंगे, इसके तो सारे काम ही ऐसे होवे हैं। जब देखो काम उल्टे उल्टे करती है, कोई ढंग का काम इसने ना आज तक किया है और ना किसी को करने देगी। रमा बेटी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सवेरे से अकेली काम में लगी रहती, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। बेटी, राजा राजू के लिए दूध नहीं बचा क्या?
बाबूजी, वो तो पहले ही दूध पीकर सो गए। बेटी, तू दुनिया से सब कुछ छिपा सकती है, मगर अपने बाबूजी से नहीं। अगर आज तेरी माँ होती तो ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने दूसरा घर रचाने की सोची। सोचा था मेरी फूल जैसी बच्ची को माँ मिल जाएगी, लेकिन न जाने भगवान को क्या मंजूर था बेटिया। ना बाबूजी, आप कभी ऐसा मत सोचना। भगवान ने सब कुछ तो दिया है मुझे, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे। सच बेटी, तेरा दिल बहुत बड़ा है। रात बहुत हो गई, जा आराम कर। जी। माई डियर सिस्टर, दिस इज 9 o'clock. गुड मॉर्निंग सुधा मौसी। मैडम, आपकी बैड टी। क्या है? तुम सब लोगों को मेरा सोना भी अच्छा नहीं लगता। ये ले, पी कर फिर सो जाना। वैसे हम सब खेत में कुएं के बम्बे पर नहाने जा रहे हैं, उसके बाद गांव की सैर करेंगे। क्यों राधा, चलो। पवन, राधा, राजू। ओ रमा जी, आप? नमस्कार। सुधीर बाबू, आप आइए आइए। जी। अरे कौन है री रमा? अरे सुधीर बाबू, आप? पहला गुमा जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे खड़ी खड़ी भू क्या देख रही है, अंदर से जाकर पूजा की थाली ला, जवाई बाबू आए हैं। माँ जी क्या बात है, राधा, राजू, डॉली, बॉबी, पवन कोई भी नहीं दिखाई दे रहे। वो तो क्या नाम से वहाँ गए हैं, खेत पर कुएं के बम्बे पर नहाने गए हैं सुबह से। अच्छा अच्छा। आजी सुनते हो? आया भगवान, आया। अरे सुधीर बाबू है क्या, कब आए बेटा? बस अभी अभी आया हूँ बाबू जी। सुखी रहो, सुखी रहो। और सुनो, क्या हाल चाल है शहर के? ना तो जवाई को बिठाएंगे ना पूजा ही करने देंगे, इनकी तो ऐसी आदत है कि बस। बैठो बैठो बैठो, बैठो। जी जी हाँ। मेरा मतलब है पहले पूजा ही होनी चाहिए। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ, गांव में पंचायत है, फिर बैठेंगे फुर्सत से। हाँ अच्छी बात। अरे ओ रमा, कहाँ मर गई तू? देख नहीं रही मैं पूजा कर रही हूँ, अब शकुन करती है। ये क्या माँ जी, आप भी ऐसी बातों पर? अरे नहीं बेटा, ये तो शगुन की बात है। सोच क्या रहे हो बेटा, जाओ अंदर जाके आराम करो, थक गए होगे। सुधीर बाबू आप? देखिए रमा जी, वो माँ जी की बात का बुरा मत मानिएगा, असल में पुराने विचारों की है ना वो। नहीं सुधीर बाबू, मैं भला क्यों बुरा मानूं, और फिर अब तो आदत भी पड़ चुकी है, आप चिंता मत कीजिए। ये क्या, लगता है आपको बहुत तेज खांसी है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं मालूम पड़ती, देखिए ना कैसी कैसी कमजोर पड़ गई हैं आप। कमजोर? नहीं तो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। सुधीर बाबू, आपको सफर की थकान हुई होगी, आप नहा धोकर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए पानी गर्म कर देती हूँ। आप मेरी फिक्र छोड़िए, मैं नहा भी लूंगा और आराम भी कर लूंगा, लेकिन आप शहर वापस जाकर फौरन किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराइए। अरे हाँ,
क्रिसेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर चटर्जी को मैं फोन कर दूंगा। अच्छा सुधीर बाबू, आप कहते तो जरूर चेकअप करवा लूंगी। वैसे मुझे कुछ नहीं होने वाला, सुधा से नहीं मिलेंगे? हाँ जरूर मिलूंगा, लेकिन देखिए आप माँ जी की बात का बुरा नहीं मानिएगा प्लीज। तो मैं चलूं? जी। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? क्या हुआ? ओफो सुधा डार्लिंग, तुम भी बस यूं ही। ए कभी तो अपने शहर वाले सर्किल को भूल जाया करो। भूल जाऊं कैसे? भूल जाऊं अपने सर्किल को? यहां ना मेरे बराबर की सोसाइटी है ना फ्रेंड्स, अरे ढंग का बाथरूम तक तो है नहीं यहाँ। प्लीज डार्लिंग चलो ना कल। देख लो भाई, मैं तो तुम लोगों के लिए 3 रोज की छुट्टी लेकर आया था, बाद में कुछ मत कहना। अच्छा पापा, नहीं कहूंगी, सच बोर हो गई हूँ, ड्रिंक्स भी नहीं ले सकती यहाँ। अच्छा सुनो, ये रमा दीदी। ओहो गोली मारो ना रमा दीदी को। तुम ये बताओ चल रहे हो कि नहीं? तो फिर कल चलोगे ना? अभी तो आया हूँ, कल की कल देखेंगे। और सुनाओ? क्या सुनाऊं, बच्चे भी गंवार होते जा रहे हैं। अब पवन के साथ गए हैं सुबह से, अभी तक नहीं आए। क्या हुआ डॉली? कांटा चुभ गया। ओह उई मामा, बड़ा पेन हो रहा है। मामा बड़ा पेन हो रहा है। उई आ उई मामा बड़ा पेन हो रहा है। आ उई उई कभी निकाला है किसी का कांटा ना मुन्नी? मैं निकाल देती हूँ। अरे हाँ, ओह थैंक गॉड। क्या बोली ये? शहर की बोली है ना? अंग्रेजी है अंग्रेजी, तू नहीं समझेगी री। जैसे कि तू सब कुछ समझता है, तू तो किसी का दुख दर्द भी नहीं समझता। कम्मू दीदी, आपके खेत के गन्ने बड़े मीठे थे, डॉली बॉबी को भी बहुत पसंद आए। अच्छा हाँ, अब तू बता रे, सवेरे सवेरे इस पलटन को लेकर कहाँ जा रहा है? अरे बम्बे पर नहाने जा रहे कुएं। उसके बाद सारे गाँव की सैर करेंगे। मैं भी चलूँ क्या रे? तेरी जैसी गवार का क्या साथ? तेरे कोई काम धंधा नहीं है क्या जो मेरा दिमाग चाटने चलेगी? अरे तेरे तो दिल और दिमाग दोनों ही नहीं है, क्या चाटूंगी क्या लगाऊंगी। हम तो तुमको दिल से लगा के लव करेगा, हम तो तुमको दिल से लगा के लव करेगा, तुम में मरेगा, तुम्हारी घर वालों से भी ना लड़ेगा। अरे हम तो तुमको दिल से लगा के लव करेगा, तुम में मरेगा, तुम्हारी घर वालों से भी ना लड़ेगा।
चक्कर में आकर घन चक्कर बन जाओ, अरे छोटा मुंह बड़ी बात करो ना तुम हमको समझाओ, तू तू के चक्कर में आकर घन चक्कर बन जाओ। अरे ये तो बंदरिया चलती डगरिया, अरे ये तो बंदरिया चलती डगरिया, बन के गठरिया चढ़ के कमरिया, आन पड़ी है सर्प ससुरिया, इसको तुम समझाओ। तो बाबूजी, पंचायत का फैसला ठाकुरों के हक में रहा ना? हाँ, ऐसा तो होता ही आया है। वही मैं सोच रहा था, गरीब हमेशा से ही मात खाता आया है। हाय डैडी, हाउ आर यू डू? हे हेलो, हाउ आर यू? नमस्ते मौसा जी। नमस्ते बेटे, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते जी। अजी कब आए आप? अरे भाई, हम तो दोपहर से तुम्हारी राह देख रहे हैं, तुम ही लोग कहीं गायब हो गए थे। डैडी, आज खेत के कुएं पर नहाने का बड़ा मजा आया, फिर गन्ने खाए। नॉटी गर्ल। अरे राजा राजू, जाइए पहले आप अपनी मम्मी के पास जाइए, वो जाने कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे पवन, दिन भर बच्चों को कहाँ कहाँ घुमाता रहा। डॉली बॉबी, इधर आओ, चलो चलकर मुंह हाथ धो लो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ, और फिर खाना खाकर जल्दी से सो जाना, सुबह जल्दी जाना है ना, चलो। गुड नाइट। गुड नाइट। पवन बाबू, हो जाए दो दो हाथ। हाँ जरूर। ठीक है, अब आप लोग खेलिए, मैं चलता हूँ। अच्छा बाबू जी। अच्छा, आओ भाई सजाओ बाजी। आइए, हो जाए, देखते हैं कौन देता है किसको मात। ये रहा यहाँ। अच्छा माँ जी, चलता हूँ। अच्छा जी, जी। अरे चिट्ठी लिखना तुम लोग। राधा राजू। अच्छा जी जी, बाय। ओके पवन, बाय बेटे। क्यों भगवान, सुधीर बाबू जल्दी शहर चले गए? क्या नाम से, कितने जरूरी काम थे उनको, गाड़ी से आए और गाड़ी से चले गए। मैं तो थक गई हूँ, आप भी क्या नाम से सो जाओ अब जल्दी से। हाँ सो जा भगवान, सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। Ah!
तेरी तबीयत तो ठीक है दीदी? कुछ नहीं रे, मुझे क्या होने लगा? दीदी खून? तुझे खून की उल्टी हुई है? चल अंदर चल। चल तू आराम कर। नहीं रे, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, तू तो खामखाई परेशान हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू बैठ यहाँ, मैं बाबूजी को जगा देता हूँ। नहीं पवन, तुझे मेरी कसम है, किसी को कुछ मत बताना रे, एकदम चुप। पर दीदी इलाज तो शहर जाकर करवा लूंगी, शायद ठीक हो जाऊंगी, फिर तेरे राजू का ब्याह करूंगी, उसकी दुल्हन आएगी ना, मैं उसकी आरती उतारूंगी। नहीं नहीं, मैं उसकी आरती नहीं उतार सकती, मैं तो विधवा हूं ना। दीदी कसम है तुझे, जो अब तू कुछ बोली, तू सो जा, शहर में जीजा जी के जान पहचान वाले सर्जन है ना, उन्हीं से तेरा इलाज करवाएंगे। कल राधा राजू को साथ लेकर शहर चलेंगे। मैंने चेकअप कर लिया है जी, घबराने की कोई बात नहीं जी, जो इंजेक्शन मैंने आपको लिख के दिए हैं उन्हें आप जल्दी ले आइए। कोई सीरियस बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? देखिए कल ऑपरेशन तो होना ही है जी, मैं मिस्टर सुधीर से बात कर लूंगा। ओके थैंक यू डॉक्टर। दीदी पवन मामा अब तक नहीं आए, पता नहीं राजू क्या बात है, इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए हॉस्पिटल में। राधा राजू, मामा मामा मामा, माँ नहीं आई? बेटे माँ को तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया ना। क्यों मामा, एडमिट क्यों करवाया? ताकि दीदी जल्दी से अच्छी हो जाए। चिंता की कोई बात नहीं बेटे, डॉक्टर ने कहा है दीदी को रेस्ट की जरूरत है, फिर वो एकदम ठीक हो जाएंगी, है ना मामा? माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटे, मैंने गांव से बाबूजी को भी बुलवा लिया है, वो भी कल सुबह तक आ जाएंगे। कल सुबह हमारा रिजल्ट भी मिलेगा मामा, हम भी कल सवेरे माँ से मिलने चलेंगे। जरूर चलना, पर पहले स्कूल, फिर वहाँ से अपना रिजल्ट लेकर सीधे हॉस्पिटल आ जाना, है ना? तब तक बाबूजी भी आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, चलो चलो, अब तुम लोग थोड़ा आराम कर लो हा? मुझे रात को दीदी के पास ही रुकना पड़ेगा। शाम को खाना ठीक से खा लेना, और देखो चिंता बिल्कुल मत करना। आप हमारी बिल्कुल चिंता मत करना मामा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा Yes. Hello, may I speak to Dr. Chatterjee? Dr. Chatterjee speaking. Doctor, मैं सुधीर बोल रहा हूँ। ओह मिस्टर सुधीर, मैंने चेकअप कर लिया है, केस बहुत बिगड़ चुका है, कल ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन होगा? और हाँ मिस्टर सुधीर, पेशेंट के ग्रुप का ब्लड भी अरेंज करना पड़ेगा। हाँ ब्लड बैंक से ले लो। और वो पैसे? नहीं नहीं, पैसों की तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ। Your relative? Yes, she is my sister-in-law. देखो जरा डॉक्टर चैटर्जी प्लीज ध्यान रखना। डोंट वरी मिस्टर सुधीर। पवन है वहां पर? पवन यहीं कहीं होगा। ओके okay.
सिस्टर ये इंजेक्शंस। मिस्टर पवन, आपके लिए मिस्टर सुधीर का फोन आया था। थैंक यू सिस्टर। हेलो। हेलो। कौन? पवन। हाँ मैं पवन बोल रहा हूँ। हाँ पवन, कहाँ चले गए थे भाई? पिछले एक घंटे से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। हाँ वो मैं घर चला गया था, राधा राजू के पास। अच्छा अच्छा। सुनो, डॉक्टर चैटर्जी से मेरी सब बातें हो गई, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप कल सवेरे हॉस्पिटल जल्दी आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा। और वो राधा राजू? राधा और राजू को डायरेक्ट स्कूल से बुलवा लेंगे वहीं पर। जी हाँ, वो ट्रेन से ले आएगा। जी अच्छा। चलिए डाली। शुक्र है हॉस्पिटल चलने का ख्याल तो आया तुम्हारे दिमाग में। ओफो, मैं हॉस्पिटल चलने को नहीं, रीटा के घर चलने को कह रही हूँ। भूल गए, आज उसके पप्पी की बर्थडे पार्टी है। सुधा, ये क्या हो गया है तुम्हें? कभी तो समझदारी से काम लिया करो। तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में और हम तुम्हारी फ्रेंड के कुत्ते की बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाएं? पर सुधीर, मैं रीटा से कंफर्म कर चुकी हूँ, आखिर कमिटमेंट भी कोई चीज होती है। कमिटमेंट? बहुत भद्दी लगती है कमिटमेंट की बात तुम्हारे मुंह से। क्या कहा तुमने? वही जो पीता रहा मैं हमेशा, नजरअंदाज करता गया जानबूझकर। लेकिन माफ करना सुधा, रमा जी उधर हॉस्पिटल में पड़ी अपने ऑपरेशन का इंतजार कर रही हूँ, जिंदगी और मौत से जूझ रही हूँ, और मैं कुत्ते और बिल्लियों की बर्थडे पार्टी अटेंड करूँ? No, सुधा, never, ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी जो चीज में आए करो, but I have to keep my commitments. Thank you.
What happened, Chatterji? Very sorry, Mr. Sudhir. Now. Very sorry. Now, Chatterji, now. Baba, baby. नहीं बाबूजी नहीं हिम्मत से काम लीजिए हिम्मत से काम लीजिए पवन 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 मेरे भाई तुम तो समझदार हो बेटे राधा राजू का सोचो उनका क्या हाल होगा बाबूजी, गांव वाली बस 6:30 बजे जाती है। राधा राजू कब आएंगे? 4 बजे। बाबूजी, राधा और राजू की चिंता आप छोड़िए, हम जो हैं। हाँ हम हैं ना, हमारे लिए जैसे डॉली बॉबी वैसे राधा राजू, क्यों जी? हाँ, फिर भी बेटे एक बार सोच लेते तो ठीक रहता। क्या नाम से क्या सोच लेते, अभी अभी सुधा ने कहा नहीं, जैसे डॉली बॉबी वैसे राधा राजू। इंसान कितनी भागदौड़ करता है, पैसा नाम, मगर सारी जिंदगी भागने में निकल जाती है। लेकिन बाबूजी, कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता चलना भी जानते हैं, वो लोगों को पहचानते हैं और जीते भी। जीवन जिया था उसने, मुझे गर्व है उस पर। सुधीर, तुम राधा राजू का ध्यान रखोगे ना? बाबूजी, मैम साहब राधा राजू आ गए। अच्छा तुम जाओ। जी मैम साहब। आओ मेरे साथ। राधा राजू, तुम लोग इस कमरे में अपना बिस्तर लगा लो। अच्छा मौसी। और सुनो, उधर सीढ़ियों के पास वाला बाथरूम ही यूज करना। जी। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे पूछ कर ही लेना। जी। मम्मी मम्मी, अब राधा राजू यही रहेंगे? नहीं तो कहाँ रहेंगे? फिर तो बड़ा मजा आएगा। चल, बड़ी आई मजे वाली, बातें करवा ले कोई तुम दोनों से। बस मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मुझे क्यों डांट रही हो? चलो यहाँ से, जाकर पढ़ाई करो अपने रूम में। एग्जाम के रिजल्ट्स देखे हैं अपने? नाक कटा दी है सोसाइटी में मेरी, बड़े अच्छे मार्क्स मिले हैं ना? चल भाभी, मम्मी को तो ऐसे ही डांटने की आदत पड़ गई है। अच्छा, अब तुम लोगों की जुबान भी खुलने लग गई है। आने दो तुम्हारे डैडी को। हाँ आने दो, हम डरते थोड़ी हैं। भाभी, मम्मी से ऐसे नहीं बोलते। तू चुप रह, मैं इसके टीचर से मिलूंगी। मम्मी, कभी आपको फुर्सत मिली हमारे स्कूल आने के लिए? जो आप टीचर से मिलेंगी। मम्मी, कल आपकी कोई मीटिंग नहीं है क्या? नहीं, पार्टी होगी, पार्टी। यू गो टू योर रूम। राधा, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। अच्छा मौसी।
हाँ, और तुम लोगों को भूख लगे तो अपने लिए खाना बना के खा लेना, ठीक है? जी मौसी। नमस्कार सुधा जी। ओ, गुड इवनिंग मिस्टर भनोत। कैसी हैं आप? फाइन। आज आई नहीं आप? श्रीमती जी तो दिन भर आपका इंतजार करती रहीं। ओ, रियली आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने आपको बताया था मेरी एक स्टेप सिस्टर हैं। जी हाँ। उनकी डेथ हो गई। क्या कह रही हैं आप? आपकी सिस्टर की डेथ हो गई और आपने हमें बताया तक नहीं? क्या हुआ था उन्हें? ऐसे ही बीमार थी तो उनके दो बच्चे हैं, उन्हें हमने अडॉप्ट किया है, तो आज सुबह ही घर पर आ गए। पूरा दिन उन्हें एडजस्ट करने में बीत गया। इसीलिए तो मैं लोगों से कहता हूँ, अब आज सवेरे एक महिला समिति की मीटिंग थी, अध्यक्ष बना दिया उन्होंने। मैंने तो उन लोगों से भी यही कहा, एडजस्ट करना सीखो भाई। वो तो है ही। अब आप तो जानते हैं सुधा जी कि हमारी सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है अनाथ आश्रमों पर। आपने हमें ही बता दिया होता, कुछ सेवा हम भी कर देते, कम से कम केस तो रिकमेंड कर ही देते। देख लीजिए, समस्या अब भी नहीं है। दरअसल सुधीर चाहते थे कि बच्चे घर पर ही रहे। वैसे भी हमारा नौकर नौकरानी को लेकर भाग गया है, बड़ी कोशिश, कोई ढंग के नौकर ही नहीं मिलते। यूं बच्चे समझदार हैं। समझदार? समझदार तो आप भी कम नहीं है सुधा जी। आप तो मजाक करते हैं मिस्टर भनोत। आदत है हमारी। अच्छा सुधा जी, इजाजत दीजिए। और वो आपके बाल सुधार केंद्र का बजट 5 लाख रुपए का था ना? जी हाँ। ग्रांट सैंक्शन हो गई है, बस एक दो दिन में ऑर्डर्स मिल ही जाएंगे। ओह, रियली थैंक यू वेरी मच मिस्टर भनोत, थैंक्स। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा सुधा जी, वो ग्रैंड पार्टी कब दे रही हैं? जब भी आप बोले पार्टी हाजिर है। तो फिर नेक्स्ट संडे को आपके बंगले पर फिक्स कर लें। नो प्रॉब्लम। अच्छा सुधा जी, इजाजत दीजिए। अच्छा, नमस्कार। अरे बाबा। अच्छा राजा बेटे, बस बहुत काम हो गया, आप तुम भी जाकर जल्दी से नहा लो, चलो। अच्छा अंकल। लीजिए। नहीं अंकल बस। अरे बेटे खाओ तो, देखो दीदी ने कितने अच्छे बनाए हैं, ये लो। राधा कहाँ है? वो अभी अभी तैयार होने गई है, सुबह से बेचारी काम में लगी है। देखो ये सारा कुछ उसी ने बनाया है। पता है। हाँ, पराठा खाकर देखो, बहुत अच्छे बने। मेरा सिर तो बुरी तरह से फटा जा रहा है। डॉली, तुमने ये मैली यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? दूसरी धूले यूनिफॉर्म थी नहीं। और बॉबी, तुम्हारी भी मैली है? धोबी को भी इतने दिनों बाद आना था, और नौकर को भी अभी भागना था। मौसी, आपका सर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ? मेरा तो सर फटा जा रहा है। अंकल, मैं आज घर पर ही रुक जाती हूँ मौसी के पास। राधा, जल्दी से कपड़े भी धो दे और फिर खाना भी बना देना। हाँ
अरे राजू पट्टा, कैसे हैं सब लोग? मामा आप हमें लेने आए ना? क्यों? अरे हाँ लेने ही तो आया हूँ यार, अब तो खुश? हाँ हाँ। चल हम यहाँ नहीं रहेंगे मामा, गांव चलेंगे आपके साथ। अच्छा बेटे, अरे स्कूल की छुट्टियाँ तो होने दो। राधा कैसी है? दीदी का हाथ जल गया मामा। राधा का हाथ जल गया? कब कैसे? परसों जब वो खाना बना रही थी ना तब। खाना राधा बनाती है? सब काम दीदी को ही करना पड़ता है, फिर भी मौसी हमें डांटती रहती है। कहाँ है राधा? अंदर। राधा, राधा। मामा। राधा, क्या हुआ री? कुछ नहीं। तू शहर से कब लौटा? राधा राजू सब ठीक है ना? क्या ठीक है, सुधा दीदी के घर के नौकर बनकर रह गए हैं। एक बात कहूं पवन? क्या? तू ब्याह कर ले और राधा राजू को यहां ले आ, उन्हें फिर से मां मिल जाएगी। और वो भी अगर राधा राजू को सुधा दीदी की तरह। तू उल्टा क्यों सोचता है रे? राधा राजू कितने प्यारे बच्चे हैं। कमो, एक बात कहूं तू मानेगी? हाँ हाँ तू बोल ना। तू मुझसे ब्याह करेगी? पर ये गांव वाले और तेरे घर वाले क्या मानेंगे? मुझे किसी की परवाह नहीं, बस तू हाँ कर दे। क्यों नहीं हो सकता? फिर काट दी ना बात। अरे भागवंती, मैंने तो सारी जिंदगी चुप रह के काट दी, मगर अब पवन सही कदम उठाने जा रहा है, तब मैं चुप नहीं रह सकता। तो क्या नाम से बोलते रहो जी? जब सारे गांव में नाक कट जाएगी तब होना चुप। बाबूजी। बेटा, तू रमा के बच्चों के लिए जो कुछ कर रहा है वो कोई अपनी सगी बहन के लिए भी नहीं करता। मैंने रमा के लिए ही दूसरा ब्याह किया था, मगर क्या मिला बेटा उसे? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। समाज के डर से मैं तेरी इस खुशी में शरीक तो नहीं हो सकूंगा बेटे, लेकिन जा, मेरा आशीर्वाद तेरे और बहू के साथ। अच्छा बाबूजी, सुखी रहो। जय हो। हरे हरे राम राम, हरे हरे राम राम, हरे हरे राम राम, हरे हरे। कहाँ लागू पंडित जी? अरे ओ कमो की बच्ची, तू कहाँ मंदिर में घुसा रही है, चल बाहर। अरे पंडित जी, आप देख नहीं रहे कमो हमारे साथ आई है यहाँ? भगवान को साक्षी बनाकर हम दोनों ब्याह करेंगे। तू इस नीच से ब्याह करेगा? ये धर्म के विरुद्ध है, तू घोर पाप का भागी बनेगा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास मैं नहीं, बकवास आप कर रहे हैं। नीच ये नहीं, नीच आपके विचार हैं। अरे मंदिर के पुजारी को नीच कहा तूने? सारे गांव की नाक कटा डाली? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लो पवन भैया, पहना दो वरमाला।
मंदिर जैसी पवित्र जगह को अपवित्र कर डाला है नीचों ने। और इस नीच लड़की से ब्याह करके तो इसने सारे गांव का नाक कटवा दिया है। जबान को लगाम दे शंकर। लगाम तो अब तेरे लगानी पड़ेगी। क्यों रे, कहाँ है तेरा बाप? बाप तक मत जा रे शंकर। चलो अभी तक झाड़ू ही लगा रही हो? मैंने क्या कहा था तुमसे, सारी क्रॉकरी धोकर पहुंच कर रखना। वो सब तो धो दी मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो पहले गाड़ी से सामान उतार दो, फिर जल्दी से चलकर दाल पीस दो। पता है शहर के कितने बड़े बड़े लोग पार्टी में आने वाले हैं। Yes. Come on, darling. ये बाल सुधार केंद्र। सुधीर दिखाई नहीं देता, कहाँ चला गया? यही होंगे, आ रहे हैं। ओह, एक्सक्यूज मी मिस्टर बनो, अभी अभी मैसेज आया है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में मुझे फौरन जाना होगा। मीटिंग? मीटिंग्स तो रोज ही होती हैं सुधीर साहब, लेकिन ये शाम में रंगीन रोज नहीं होती। अब ये तो अपनी अपनी किस्मत है साहब। सुबह डाले, रिलैक्स एंड एंजॉय योरसेल्फ एंड एंटरटेन द गेस्ट। शुभ रात्रि। बाय। ओके बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। शुभ रात्रि। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट मिस्टर भानोट। ओके ओके। थैंक यू मिस्टर भानोट। देखिए आपका दूसरा बजट भी पास हो जाए। चलिए। और सुधा जी तुम ऐसे ही पार्टी देती रही ना तो बजट के ऊपर बजट पास हो जाएंगे। फिक्र ना करो। अच्छा। तुमने तो रीटा की नाक काट दी, वो एक पार्टी थी और एक ये ग्रैंड पार्टी। मौसी मौसी मुझे ये पर्स मिला, वहाँ पड़ा था। थैंक्स, ये तो मेरा पर्स है। जी। शाबाश, बहुत ईमानदार लड़की हो। ये लो, रख लो रख लो, ये तो तुम्हारा इनाम है, ले लो। सुधा, तेरे नौकर भी इतने अच्छे, टिप नहीं लेते? अभी नए नए हैं, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। क्यों नहीं सीख जाएंगे? अच्छा सुधा जी,
तो इजाजत हो, चलें। अच्छा। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। बाय। गुड नाइट। नहीं दीदी, यहाँ से चलो अब। मामा आएंगे तो अपने आप ढूंढ लेंगे। पर ये सब कहाँ जाएंगे राजू? कहीं भी चले चलेंगे। इधर मैं सोने का हफ्ता 20 रुपया लगता समझे? चल दीदी, कहीं और चलते हैं। अरे जाओगे कैसे? किराया दो वरना। वरना? वरना क्या करेगा? क्या करेगा? अल्लाह का बंदा असलम खान। राधा बिटिया, राजू। सुधा, सुधा अभी तक सो रही हो तुम? ओहो, क्या है? राधा और राजू घर छोड़कर चले गए। ये चिट्ठी उनके टेबल से मिली है। यही कहीं होंगे, अभी आ जाएंगे। ओफो, किसी बात को कभी तो सीरियस नहीं लिया करो। न जाने बच्चे किस हाल में होंगे। मैं वर्मा को फोन करता हूं। कौन? वर्मा?
मैं सुधीर बोल रहा हूँ भाई, बड़ा गजब हो गया, राधा और राजू घर छोड़कर चले गए, पता नहीं कब, उनके कमरे से चिट्ठी मिली है, किसी भी तरह से इसका पता लगाना है भाई। नहीं नहीं वर्मा, FIR लॉज नहीं करानी है, समझने की कोशिश करो, और देखो वो दफ्तर में भी किसको मालूम नहीं होना चाहिए। हाँ मैं अरोड़ा को अभी फोन की देता हूँ, ठीक है, प्रेम सिंह अभी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, बट प्लीज टेक केयर ऑफ इट, थैंक यू। फोन जरा SP साहब को देना। कौन तिवारी? मैं सुधीर बोल रहा हूँ यार, थोड़ी देर के लिए दफ्तर आ जाओ 10 बजे के करीब, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज स्पेयर सम टाइम, थैंक यू वेरी मच। लो जी, बस 10-15 दिन की ही तो बात है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर बाबू कह रहे थे कोई चिंता की बात नहीं। मुझे कोई चिंता नहीं, बस राधा राजू की ही चिंता रहती है। आप ठीक हो जाओ जी, हम ले आएंगे उन्हें, नहीं तो वही शहर चलेंगे, राधा राजू को खूब पढ़ाएंगे, है ना? पता नहीं किस हाल में होंगे राधा राजू। ये झोपड़ी तो जन्नत बन गई मेरे मौला। ये गोला भी चमक गया बाबा, कितना काला था। तुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए राजू, खूब पढ़ना चाहिए। मेरी तो ये दिली ख्वाहिश है तुम लोग खूब पढ़ो लिखो। ये पढ़ेगा बाबा, ऐसे स्कूल भी होते हैं जो शाम को चलते हैं, ये दिन में कोई छोटा मोटा काम कर लेगा और शाम को पढ़ेगा, है ना राजू? हाँ बाबा, मुझे कोई भी काम दिला दो मैं पूरी मेहनत करूंगा। अरे अल्लाह के बंदे, अरे मेहनत करने के लिए अभी असलम है, तू तो पढ़ाई की सोच। असलम कौन है रे, कितने बातें कर रहा है? अरे संतू बाबा, सलाम बड़े भाई। वालेकुम रे, ये पढ़ने की बात कौन करता? बच्चे हैं बड़े भाई है? मेरे गांव से आए हैं, बड़े खानदानी बच्चे हैं। झोपड़पट्टी में कैसा खानदान रे असलम? झोपड़पट्टी में कैसा खानदान, कैसी पढ़ाई? झोपड़पट्टी में सिर्फ दारू चलती है, सकू की दारू, आके फोड़ देती है सकू की दारू। आ गया दारू पी के, तू तो लक्ष्मी की दवाई के लिए रुपए लेने गया था ना ठेकेदार के पास। ठेकेदार साला पिसना को डांटता, इस पिसना को सबके सामने डांटता, मैंने हाथ जोड़े उसके सामने, बोला मेरी लक्ष्मी बीमार है, उसकी दवा के वास्ते कुछ दो साहब, मेरे को धक्के मार के भगा दिया। अरे तो दारू पीने के लिए पैसे कहां से आए तेरे पास? आसमान से आया। साली बात नहीं समझती है, अरे मेरी छाती फूक रही थी गुस्से से, तो बूंद पीली तो साली हिसाब पूछती है, हिसाब पूछती है, हिसाब हिसाब पूछती है। क्या नाम है तुम्हारा? किशन। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा ये बताओ किशन, तुम पढ़ते हो? हाँ। किशन, अरे ओ किशन, क्यों रे यहाँ क्या कर रही है? तीन बार शैतानी करते, जब देखो तब खेला करते। नहीं, नहीं इसे मत मारिए, बच्चे को मारते नहीं है। ए,
तू भी अलका बहन जैसा बोलती रहे। अलका बहन कौन? वो आती इधर कभी कभी, कभी कहती है अपने मर के शराब छुड़ाओ, कभी कहती अपने बच्चों को पढ़ाओ। अच्छा आप लोग चाहो तो मैं इन बच्चों को पढ़ाऊं? क्यों बच्चों, पढ़ोगे? तेरा नाम क्या है? राधा। बहुत अच्छा नाम है। अच्छा राधा मैं चलती, लक्ष्मी बहुत बीमार है। लक्ष्मी कौन? मेरी बेटी। अच्छा मैं चलती। अच्छा चलो 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 चल जाना पढ़ने को, चलो को भाग जाएंगे। चलो भाई चलो। राधा बेटी। राजू जी पढ़ाई शुरू हो गई बेटे? हाँ बाबा। राधा कहाँ है? अंदर है बाबा। बाबा आज जल्दी आ गए? आज काम भी ज्यादा नहीं था और दिल भी घर की तरफ लगा हुआ था। बेटे तुम दोनों की वजह से खान की झोपड़ी आबाद हो गई, अब तो वक्त से ही घर आना पड़ेगा। बाबा अब हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। रहने दे बेटा, अब तो साथ खाना ही खाएंगे। बाबा कल से दीदी यहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगी। हाँ बाबा, वो कमला मौसी है ना, वो आई थी, बस्ती के बच्चे भी आए थे, सब कहते हैं कि हम पढ़ेंगे, मैं कल से उन्हें पढ़ाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे। या मेरे मौला, तूने इस अंधेरी बस्ती को रोशन करने के लिए तो चराग भेज कर असलम की खाली झोली भर दी, तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं? बोलो बच्चों ये क्या है? ख से कबूतर। और ये ख से खरगोश। खरगोश कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। देखा है कभी तुमने? हाँ दीदी, रमजान के पास था खरगोश, कुत्ता खा गया। खरगोश छोटा छोटा होता है, प्यारा प्यारा होता है, सफेद होता है, बहुत तेज दौड़ता है, वो जंगल में रहता है। मैं तुम्हें आज कछुआ और खरगोश की कहानी। नमस्ते अलका बहन। नमस्ते। भाई वाह, यहाँ तो स्कूल खुल गया। कौन है ये लड़की? ये तो राधा बिटिया है, अपने खान बाबा है ना, उनके गांव से आए हैं दोनों, ये और इसका भाई राजू, बड़े समझदार बच्चे हैं। अरे यमुना अब कैसा है तेरा लड़का? दीदी उसका तो घाव भर गया, पर कमला की लक्ष्मी बुखार से तप रही है। तूने बताया नहीं मुझे कमला, ये ले कुछ दवाइयाँ रख ले। आपको तो तकलीफ देती। अरे राधा दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। दीदी टॉफी की, टॉफी दो ना, आ जाओ। टॉफी उसे ही मिलेगी जो आज पढ़ा था। बाबा मैंने आज से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। शाबाश बेटी, अल्लाह तेरे काम को बरकत दे बेटी। आज अलका दीदी भी आई थी, बहुत खुश हुई। अब से वो बच्चों के लिए स्लेट पेंसिल सब लाया करेंगी। वो तो बड़ी नेक दिल इंसान है बेटी, बस्ती के दर्द में शरीक होती है, खुशियों में शरीक होती है, उस तक क्या नहीं किया बस्ती के लोगों के लिए। राजू बेटे तुम क्यों चुप है? बाबा वो श्यामू है ना, उसने बताया कि आप मुझे बीड़ी के कारखाने में काम दिलवा सकते हैं। और क्या कहा श्यामू ने? यही कि उसे भी अपने लगवाया था। अच्छा कल सुबह चलना मेरे साथ। अच्छा बाबा। झोपड़पट्टी में कुछ नहीं चलता, सिर्फ सकू की दारू चलती है, सबको अंधा बना देती है। सकू की दारू चलती है, झोपड़पट्टी में कुछ नहीं चलता है, सिर्फ सकू की दारू चलती है। सलाम अलैकुम बड़े भाई। वालेकुम सलाम। क्यों असलम चल दिए काम पर? हाँ बड़े भाई। बाबा आज से मैं भी काम पर जा रहा हूँ। क्यों असलम जोत दिया बच्चे को भी ठेले में? अल्लाह की मार मुझ पे बड़े भाई, जो मैं इसे ठेला छूने भी दूँ। बाबा तुम मुझे बीड़ी कारखाने ले जा रहे हैं। चढ़ जा बेटा सूली पे। अच्छा बड़े भाई चलते हैं। चलो राजू बेटे। यहाँ पढ़ाई नहीं चलती, सकू भाई की दारू चलती है, कोई पढ़ता नहीं, सकू भाई की दारू चलती है। ये ले ले पकड़।
अरे ओए गड़बड़ क्या करता है, सीधी तरह से पी। अरे ओए क्या करता है। क्यों बे फकीरा, तेरा पत्ती खेलता है। अबे दुख के चल रहा यार। क्या चाचा, क्या चाचा, दादा चीज है साली। दिसला गुड्बाई दिसला, दिसला गुड्बाई दिसला, मला बघून गालात हसला गुड्बाई हसला। सक्कू बाई क्या रे, एक पवा देना। दो रुपया निकाल। सक्कू बाई क्या है, एक पवा दे। अकेले अकेले यूं ही अच्छा लगता है ना। उस अबे यही था, तू ही दिखाई नहीं देता। शर्ट कहाँ से लाया? नामपल्ली से। मेरे को भी लाके देना है। अरे ला दूंगा, पर ऐसे नहीं लाके दूंगा, दूसरे तरीके के लाके दूंगा। देख लेकिन भूलना मत देख। अरे आगे कहीं भूला हूँ क्या? अरे तू हमेशा भूलते रहते। नहीं ये ले राम दिन। कल कहाँ था फिर? अरे बेटू कल फिल्म देखा। दो रुपया। क्या मस्त काम कर रहा है उसमें। चल हरामी हाथ पकड़ दे। ये ले जॉन, निकाल दो रुपए। क्या बोलती सकू भाई, दिया ना? अरे किधर दिया, झूठ बोलता है मेरे से। ये लो गाली और देती, तुम लोगों के सामने दिया ना। ये गिलास तो खाली है, अब उनका दारू किधर गया है? अरे साला सकू के साथ बंकस करते हो, सर फड़वा कर रख दूंगी। भाई लोगो ये 2 रुपए का दारू है, अब उनके पास तो ये है। ये कौन है भाई साहब? इसको नहीं जान भाई, अपन का इससे शादी होने वाला है भाई। अच्छा हमको भी अपना शादी में बुलाना। बुलाएगा। अच्छा भाई साहब इनका शादी में मिलेगा। अच्छा अच्छा सबको भाई अच्छा मिलेगा। अच्छा चल फट चल। अरे ओ कड़को पैसा लेकर आओ तो दारू मिलेगा। चल फट। अरे हट जा रहा है। कल पता नहीं कहाँ से आ जाते फोकट में दारू पीने के लिए। अरे काड़ू जा, मजा बीड़ी से बंडल गया। हमेशा का लफड़ा है, बहुत कड़की चलती है यार आजकल तो। क्या करेंगे यार, संभाल गुरु संभाल। उड़िया उड़िया संभाल के जा, ज्यादा नहीं पीने का। अरे पर ऐसा करता क्या? छोड़ यार। नहीं पर यार। अरे कहाँ गया? क्यों मारते हो बच्ची को, शर्म नहीं आती? एक तो वो पढ़ने आया है और तुम शराब पीकर मारते हो उसे। ए छोकरी तू कौन होती है, बंद करा दूंगा तेरा ये स्कूल। अबे पत्ता काय को नहीं चलता है यार। अबे चलता हूँ ना यार। सकू भाई एक बोतल और। बिस्ना लक्ष्मी मर गई रे बिस्ना। लक्ष्मी
प्रधान बाबा पुलिस को बोलना चाहिए, सक्कू का मामला बहुत डेंजर है। पुलिस क्या करेगी इसमें, ये तो हमारे आपस का मामला है, ये तो झोपड़पट्टी के अंदर का लफड़ा है। ठीक है, नहीं बुलाएंगे, पर अल्लाह के वास्ते तुम सबको समझाओ। अरे हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे, तभी तो इन बच्चों की मेहनत और अलका जी की सलाह को मंजिल मिल सकेगी। हाँ बाबा, सब औरतों को जुलूस में चलना चाहिए। सिर्फ चलना ही नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ इन बच्चों के कांधे से कांधा मिलाकर चलना है। क्यों राजू बेटे? हाँ बाबा। तो हो जाए शुरू। शराब की भट्टी बंद करो, शराब की भट्टी बंद करो, सबको भाई हाय हाय, सबको भाई हाय हाय, शराब की भट्टी बंद करो, हमें स्कूल चाहिए, शराब की भट्टी बंद करो, सबको भाई हाय हाय, हमें स्कूल चाहिए, सबको भाई हाय हाय, सबको भाई हाय हाय, शराब की भट्टी बंद करो, शराब की भट्टी बंद करो, सबको भाई हाय हाय, सबको भाई हाय हाय, हमें स्कूल चाहिए, शराब की भट्टी बंद करो, शराब की भट्टी बंद करो। बस्ती में आग लगाकर अब बाप की दाहिरी चुड़ैल। नहीं कमला मौसी, इसे मत मारो, ये कानून के खिलाफ है। अरे खिलाफ तो बहुत कुछ है बेटी, देख देख इन बच्चों की हालत। अरे देख रे, अरे मैं भी तो अपने पेट की आग के लिए धंधा करती हूँ। तुम कोई और धंधा भी तो कर सकती हो। अरे मेरे पास इतना पैसा ही कहाँ बचता है जो दूसरे धंधे में लगाऊं, लोगों को हफ्ता भी तो देना पड़ता है। तुम अगर सचमुच अच्छा काम करना चाहती हो तो हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। तो मैं कब बुरा काम करना चाहती हूँ? अरे दारू वाली है, बदलेगी नहीं। अब अगर ये ऐसा करेगी तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। बोल सकू है मजदूर? अरे संधे को तो देख, ये सब तेरी दारू ने किया। अक्टूर झोपड़ पट्टी को अंधा मत बना, तोड़ दे तेरी दारू की पट्टी। सोचती क्या है सकू, नेक काम में देर मत कर, सारी बस्ती के लोग तुझे दुआ देंगे। सक्कू सक्कू भाई सोच क्या रही है, तोड़ दे भट्टी, तोड़ दे। सक्कू 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 अंधा मत बना, तोड़ दे भट्टी, तोड़ दे भट्टी सक्कू, तोड़ दे तोड़ दे। सक्कू भाई सोच क्या रही है, तोड़ दे भट्टी। सक्कू भाई सोच क्या रही है, नेक काम में देर मत कर। ढोलक तड़ तड़ तड़क तड़की, ढोलक तड़ तड़ तड़क तड़की, झांझर झंझन झनक झनकी, ढोलक तड़ तड़ तड़क तड़की, झांझर झंझन झनक झनकी। झोपड़न में खुशहाली पायल पायल चम चम चमक चम।
Speaking? हाँ वर्मा बोलो क्या राधा राजू कहाँ इसी शहर में वो नहीं नहीं यकीन नहीं होता भाई हाँ अब इसको कुदरत के करिश्मे के अलावा क्या कहेंगे अरे नहीं वर्मा मैं खुद लेने जा रहा हूँ उन्हें थैंक यू सो वेरी मच सुधा लो सुधा क्या हुआ राधा राजू का पता लग गया है अभी अभी वर्मा का फोन आया था वो इसी शहर में है मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ मम्मी मम्मी आप राधा राजू हमारे साथ ही रहेंगे ना पता नहीं बेटे हेलो ट्रंक बुकिंग यस बुकिंग फॉर नया गांव नंबर इज 170 एंड लोकल नंबर इज 852671 पीपी मिस्टर पवन शर्मा जी राधा बेटी जल्दी करो चलो भाई राजू देर हो जाएगी माफ कीजिएगा राधा और राजू नाम के बच्चे यहीं पर रहते हैं जी हाँ यहीं रहते हैं असलम खान साहब आप ही हैं हाँ हाँ मैं ही असलम खान हूँ ले राजू पूरा खाना खा लेना अंकल मौसा जी ये खान बाबा है सलाम अलैकुम साहब वालेकुम सलाम आइए आइए साहब बैठिए शुक्रिया
डॉली बॉबी कैसे हैं अंकल? अच्छे हैं, बहुत याद करते हैं तुम दोनों को। कितना ढूंढा तुम्हें, आज अखबार में तुम्हारा फोटो छपा था। अगर तुम लोग अपनी मौसी से नाराज थे तो कम से कम मुझसे तो बताया होता। ये बच्चे बड़े होशियार हैं साहब, इन्होंने तो इस बस्ती की काया ही पलट दी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है साहब। अरे तुम कहाँ जा रहे थे राजू? मैं काम करता हूँ और दीदी यहाँ के बच्चों को पढ़ाती है। स्कूल तो छोड़ दिया ना तुम दोनों ने? सब अल्लाह का खेल है साहब, वरना हमारे लिए तो ये बच्चे फरिश्तों से कम नहीं। लेकिन आप ही बताइए खान साहब कि इन लोगों के लिए आगे की पढ़ाई जरूरी है या नहीं, उसके बाद ये कुछ भी करें। बिल्कुल साहब, इन्हें तो अभी बहुत कुछ करना है साहब। झोपड़पट्टी में तो आदमी मजबूरी में रहता है, हम तो गरीब आदमी है साहब, ठेला चलाते हैं, पर खुदा गवाह है हमसे जितना पन पड़ा हमने इन बच्चों का ख्याल किया साहब। मैं समझ सकता हूँ खान साहब, तो तुम लोग चल रहे हो ना मेरे साथ? नहीं अंकल, हमें यहाँ अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? यहाँ के सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत चाहते हैं हमें। हाँ साहब ठीक है, कुछ भी करो तुम लोग, लेकिन बेटे तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है। और मैं पवन को भी बुला लेता हूँ, अब तो तुम लोगों की मामी जी भी आने वाली हैं। अगर चाहो तो उन्हीं के पास रहो। चलता हूँ खान साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं आपका शुक्रिया अदा करने को, काश सब लोग आप जैसे होते। क्या बात करते साहब, खान ने कुछ नहीं किया, करने वाला तो वो अल्लाह है, सब उसका किया है। आप फिक्र मत करना साहब, मौला मिलाएगा बिछड़ों को। मां मां, राधा राजू यहां से चले जाएंगे? हाँ बेटा। क्यों? उनके मामा मामी उन्हें लेने आएंगे ना बेटा, इसलिए। सच में जाएंगे जी? नहीं तो क्या, झूठ मूठ जाएंगे, बात नहीं समझती। मेरे को तो बहुत याद आएंगे, कितने प्यारे बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, पर याद आने से क्या, खान बाबा बता रहे थे यहाँ रहेंगे तो बड़े आदमी कैसे बनेंगे। पापू मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा ना। हाँ बेटा, तेरे लिए तो स्कूल खोलाना रे। या मेरे मौला, तुमने इस गरीब की दुआ कबूल कर ली। बाबा आपने राधा राजू के लिए जो किया है वो तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। करने वाला तो वो परवरदिगार है साहब, फिर बच्चे तो खुदा का नूर होते हैं साहब। जाओ बच्चों, हमेशा ऐसे ही नेक बने रहो। अच्छा बाबा आशीर्वाद दो, खुश रहो।